हाय गाइस, माय नेम इज अरविंद और आज मेरे हाथों में जो फोन है वो एक नॉर्मल फोन नहीं है। थोड़े दिनों बाद इसका नाम आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखने को मिलेगा। एक ही फोन जो सबसे ज्यादा नामों से बेचा गया। शाओमी ने इसको बनाया, उसके बाद रेडमी को भी दे दिया, पोको को भी दे दिया और हर जगह ये हमको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो इसकी कहानी कुछ 4-5 महीने पहले स्टार्ट हुई थी चाइना से, जहां पे रेडमी नोट 11 5G के रूप में हमको देखने को मिला। उसके जस्ट कुछ दिनों बाद ये ग्लोबली लॉन्च हुआ पोको M4 प्रो के नाम से, और उसके बाद जस्ट 1.5 महीने बाद ये इंडिया में लॉन्च हुआ रेडमी नोट 11T 5G के नाम पे, और जस्ट एक दिन पहले मतलब कल ही पोको M4 प्रो 5G के नाम से इंडिया में भी आ चुका है। मतलब ऐसा क्या स्पेशल भाई Xiaomi ने इसमें पैक कर दिया है कि अलग अलग नामों से इसको बार बार लॉन्च किया जा रहा है। पूरी गाथा देख लेंगे, अंदर तक घुस के जानेंगे क्या स्पेशल आपको देखने को मिलता है और कितनी वैल्यू बनाता है ये 5G फोन आपके लिए 15,000 की प्राइस रेंज में। आपको इसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी हाई डिमांड थी, मेरे को भी बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो ना तो आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कर देना लाइक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करूं मैं बॉक्स की, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जहां पे इंडिया नंबर वन ब्रांड हम सबको पता है, और यहां पे पीछे की साइड आप जाओगे तो आपको कुछ हाईलाइट मेंशन देखने को मिल जाते हैं, जहां पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 5G वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। आपको इसी के साथ वर्चुअल रैम देखने को मिल जाती है। अगर आप इसका 8GB रैम वेरियंट लेते हो तो आपको 3GB वर्चुअल रैम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये भी एक इल्यूजन ही है भाई। और इसी के साथ 50MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, और इसी के साथ 90Hz की फुल HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है। तो इतने सारे माल मसाले के साथ मेड इन इंडिया, और अब हम खोलते हैं इसके बॉक्स को कि क्या कुछ स्पेशल देता है Xiaomi इसमें आपको। तो ऐसा कुछ फोन है जो आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो फोन को पहले साइड में रखते हैं और एक सेक्शन अगर हम और नीचे चले जाएं तो आपको अलग से एक पाउच देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इसका TPU केस आपको देखने को मिल जाता है, और जिसकी क्वालिटी जो है वही है जो Xiaomi के फोन्स में आपको मिड रेंज में देखने को मिलती है। और इसी के साथ आपको सिम इंजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है, और एक स्पेशल चीज जो आपको बताएगी कि आपके फोन को आपको कैसे सेटअप करना है। तो ये सारी चीजें खाली करते हुए जैसे ही हम पहुंचते हैं पूरा नीचे, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है 33 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक, जो इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि काफी एक कमाल का मूव है जो आपको बॉक्स में ही देखने को मिल रहा है। प्लस टाइप सी आपको केबल देखने को मिल जाती है, जिसमें ऑरेंज एक्सेंट यूज किया गया है। तो ये कुछ बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है, और ऐसा करते हुए बॉक्स पूरा खाली, और अब हम चलते हैं अपने फोन के ऊपर। तो ये है अपना Redmi Note 11T 5G या फिर Poco M4 Pro 5G। सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर TPU केस लगा के देखें, तो ऐसा कुछ आपको लुक देखने को मिलेगा TPU केस लगाने के बाद। और ये जो है इसकी सेटिंग्स काफ़ी सही सी है, मतलब काफ़ी अच्छा सा कंस्ट्रक्शन किया है Xiaomi ने इसके साथ। और अब बात करूँ इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो ये तारों वाला डिजाइन जो है वो आपको सिर्फ 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ से डायमंड कट डिजाइन देखने को मिल रहा है, और ऊपर की तरफ से ब्लूएस्ट टिंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब दो कलर आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। साइड में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, और ये इसी के ऊपर आपको वॉल्यूम रोकर भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो भाई ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। लिटरली मैं आपको बताऊं कि इतना फास्ट मैंने बहुत कम फोनों को देखा है, इवन मैं बोलूं कि ना के बराबर ही है। और इसी के साथ इसका जो फेस अनलॉक है वो भी उसी स्पीड से फास्टली काम कर जाता है। और जैसे ही हम इसके ऊपर की साइड चलते हैं तो यहाँ पे आपको IR ब्लास्ट देखने को मिल जाता है, जो Redmi की ऑलवेज ब्यूटी रही है। सेकेंडरी माइक है, और इसी के साथ स्पीकर ग्रिल देखने को मिलते हैं, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ ग्रिल है, तो डेफिनेटली इससे जाहिर हो जाता है तो कि आपको यहाँ पे ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको जांच लिया जाए कि कितना कुछ अंदर आपको देखने को मिल जाता है बेस ट्रेवल, और कैसा साउंड ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर करना, कितने चलिए तुम, कितने चलिए तुम, कितने चलिए ऑलमोस्ट। आपको साउंड जो देखने को मिलता है वो जितना इतना लाउड नहीं है, लेकिन स्पीकर्स जो क्रिस्प वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं ना वो काफी सही है। आपको ऑलमोस्ट 25% ऊपर की तरफ से देखने को मिलेगा और 75% नीचे की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के इस प्राइस रेंज में आपको अच्छे स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ लेफ्ट साइड में आपको ये डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जहां पे एक 5G सिम या एक मेमोरी कार्ड या फिर दो 5G सिम आप डाल सकते हो। और नीचे 3.5mm का जैक है, प्राइमरी माइक है, USB टाइप सी है, और अगेन जो स्पीकर हमने टेस्ट किए वही हैं। तो ऐसा कुछ इसका कंस्ट्रक्शन है, प्लस आपको फ्रंट साइड में सेंटर पंचोल देखने को मिलता है।
और जो पीछे की तरफ ये देखने को मिल रहा है ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, मतलब प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है साइड में और पीछे की तरफ। कुल मिला के आपको इस प्राइस रेंज में यही मिलता है और कोई शिकायत हम कर भी नहीं सकते। और ये जो फोन है IP53 वाटर एंड डस्ट प्रूफ आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जंप करूं मैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट पे, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस की IPS LCD पैनल देखने को मिलती है और ये 90 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट के साथ आती है और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है, जो गेमिंग में बहुत ज़्यादा साथ निभाने वाली है आपका। और इसी के साथ ये 399 PPI डेंसिटी को लेकर आएगी और 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। मतलब अगर आपको टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा समझ नहीं आ रहे हैं तो इतना समझ लो कि आपको यहाँ पर ठीक ठाक सी डिस्प्ले देखने को मिल रही है और 5G फोन के साथ जो मिलता है सिर्फ यही मिलता है, तो आप यही एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। और इसके ऊपर आपको कोर्निंग गोला ग्लास 3 की लेयर देखने को मिल जाती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक आपका साथ निभाएगी। और इसी के साथ 500 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस पे काम करता है। इसका मतलब सीधा सा ये हो जाता है कि रेडमी से हम ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और यहाँ भी थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, लेकिन आपको नॉर्मल अगर हम आप अंदर यूज कर रहे हो या फिर शाम सुबह के टाइम यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद बात करूँ इस फ़ोन की मेन रेसिपी की, चाहे 11T 5G की बात करो चाहे Poco M4 Pro 5G की बात करो, तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 810 देखने को मिल जाता है। ये एक 5G कैपेबल प्रोसेसर है और यहाँ पे आपको 7 5G बैंड्स देखने को मिल रहा है। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है, मतलब रॉयल्टी देनी पड़ती है भाई जितने ज़्यादा नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, और इतनी प्राइस रेंज में 7 देखने को मिल रहे हैं ये काफ़ी सही चीज़ है। और इसी के साथ ये जो प्रोसेसर है वो 2.4 GHz क्लॉक आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर की मैं आपसे बात करूँ तो MIUI 12.5 एनहांस पे देखने को मिलता है, प्लस एंड्रॉइड 11 इसमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ MIUI 12 की, तो यहाँ पे नॉर्मली हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी जिटरीनेस देखने को मिलती है क्योंकि एनिमेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस प्रोसेसर के साथ इसकी जो कस्टमाइजेशन है वो डेफिनेटली बहुत ही कमाल की करी है। ना तो आपको कोई जिटरीनेस फील होता है, ना कोई लैग फील होता है UI में, ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है। तो यहाँ पे रेडमी की थोड़ी सी तारीफ बनती है या फिर पोको की भी बोल सकते हो, तो लेकिन ओवरऑल बात करूँ तो शाओमी ने फ़ोन दिया तो शाओमी का कहना बनता है कि शाओमी ने अच्छा काम किया है भाई। और इसमें आपको LPDDR4X और UFS 2.2 बेस स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते 6GB 64GB का आपको इसमें बेस रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और बात करूँ इसकी गेमिंग की, तो गेमिंग में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी हैप्टिक्स जो है ना वो इसकी प्राइस को ओवर जस्टिफाई करते हैं। इस प्राइस रेंज की हैप्टिक्स जो होते हैं ना वो डेफिनेटली स्प्रिंगी टाइप होते हैं, और कई अपर मिड रेंज के फ़ोन भी ऐसे हैं जो ऐसे वाले हैप्टिक्स आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हैप्टिक्स में बहुत ही कमाल का है। प्लस अगर आप इसमें BGMI खेलोगे तो आपको HD हाई सेटिंग्स पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे कोई ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स आपको नज़र नहीं आएंगे, तो स्मूथली आप गेम प्ले कर सकते हो इसमें क्योंकि जो प्रोसेसर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कैपेबल देखने को मिलता है। और अगर फ्यूचर में इसके ऊपर और कस्टमाइजेशन हो पाए तो डेफिनेटली और ज़्यादा सेटिंग्स आपको अनलॉक देखने को मिल सकती हैं। और अब बात करूँ मैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे पीछे की तरफ देखते ही आपको फील आएगी कि इसमें 4 कैमराज हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इल्यूजन है भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं सही बताऊं तो एक पॉजिटिव वे में बोलूं तो पहली बार मैंने ऐसा फ़ोन देखा है इस 2021 और 2022 के स्टार्टिंग में जहां पे आपको सिर्फ 2 कैमरास देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ब्रांड्स 2-2 मेगापिक्सल वाली चिपकाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। यहां पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसके बाद एक लाल बिंदी है, और उसके साथ ही आपको AI वाला देखने को मिल जाता है। फंक्शन कुछ भी नहीं है, बस ऊपर लिखा हुआ है भाई। तो ये वाला डिपार्टमेंट जो है ना उसको हम जल्दी निपटा लेंगे क्योंकि इस बार ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। और इसी के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल रहा है। मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ ली, और वीडियोज़ की मैं सबसे पहले बात करूँ तो 1080p 60fps आपको बैक से देखने को मिलता है और फ्रंट से आपको देखने को मिलेगा 1080 30fps। फोटोज़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो प्राइमरी सेंसर है उससे काफ़ी ठीक ठाक फोटोज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड है उसमें डेफिनेटली क्वालिटी मिस आउट आपको नजर आएगी। बहुत सारा नॉइस ही ऐड करता है क्योंकि आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस इसमें देखने को मिल रहा है। और जो डायनेमिक रेंज है वहाँ भी रेडमी को सॉफ्टवेयर पुश कर उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक ही फोटो में ये बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट को भी दिखा देता है और बहुत ज़्यादा लाइट पार्ट को भी दिखा देता है, तो उसको मैनेज करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फोटो जो हैं वो कहीं ना कहीं ओवर शार्पन आपको दिखती हैं, तो वो भी थोड़ा सा अगर सॉफ्टवेयर की मदद से ठीक हो जाए, अगर रेडमी की टीम से कोई भी देख रहा है तो डेफिनेटली इस पे काम करने की यार सख्त ज़रूरत है, क्योंकि रेडमी के इससे कम की प्राइस रेंज में भी जो फ़ोन आते हैं उनमें अच्छे कैमराज हमको देखने को मिल जाते हैं। और सेम मैंने रिव्यूज़ देखे जो पोको M4 Pro 5G है उसमें भी सेम इन्होंने उठा के डाला है, तो वहाँ भी सॉफ्टवेयर पुश करने की सख्त ज़रूरत है। और अगर सेल्फी की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे खास एज इन कोई प्रॉब्लम वाली फील नहीं हुई, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो मिलता है वो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स की
की मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, 4G प्लस मतलब कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिलता है। जब तक 5G नहीं आता तब तक 4G को यूज करना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी वाली चीज हो जाती है। लेकिन कंसिस्टेंट 4G प्लस नहीं है, मतलब कई जगह आपको देखने को मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा। और इसी के साथ आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है 5 GHz के रूप में। और इसी के साथ IR Blast जो Redmi की ऑलवेज ब्यूटी रही है वो आपको इसके साथ भी देखने को मिलेगा। और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, मतलब कनेक्टिविटी के मामले में ऑन टॉप है, यहाँ पे आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। और अब बात करूँ इसकी प्राइस की, तो यहाँ पे आपको 6GB 64GB की जो प्राइस Redmi ने रखी है वो है 16,999 rupees, 17,000 rupees। लेकिन आप ऑनलाइन अमेजोन पे जाते हो तो आपको कोटक बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे 1,000 off देखने को मिलता है, जिसके चलते इसकी इफेक्टिव प्राइस बन जाती है 15,999 rupees। और वहीं अगर आप पोको M4 प्रो के रूप में जाते हो सेम फोन के साथ, जहां पे आपको पीछे की तरफ आपको थोड़ा सा मैट फिनिश देखने को मिल जाता है, जिसके चलते ये जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं आएंगे, प्लस आपको पोको लॉन्चर देखने को मिल जाता है जिसमें ज्यादा एड्स नहीं आएंगे, तो वहां पे आपको प्राइस पे करने की पड़ेगी 4GB के लिए 14,999 rupees, मतलब सेम प्राइस है। तो आप किसी के साथ भी जा सकते हो। और अगर स्पेशली बात करूँ 14,999 की, तो 33 volt की आपको फास्ट चार्जिंग, 5,000 mAh की बैटरी, 90Hz की हाई रिफ्रेश रेट, और इसी के साथ ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, MIUI 12.5, और ये सारी चीज़ें जो मिला के कॉम्बिनेशन बनाती हैं वो काफ़ी कमाल का सा है। तो यही है कहानी इसी Redmi Note 11T 5G की या फिर Poco M4 Pro 5G की, कुछ भी समझ लो। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरे जो इनिशियल इंप्रेशन हैं वो 14,999 के हिसाब से काफी सही हैं, मतलब एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है और 5G आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाता है। तो इन दो चीज़ों को कंसिडर करके आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब के लिए